नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित गौवंशों के कारण गरीब किसानों की फसलों और मार्ग दुर्घटनाओं के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने लखनऊ के बाबूगंज स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालय में प्रदेश के 7 जनपदों में निर्मित वृहद गौ संरक्षण केंद्रों का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 7 जिलों में बने गौ संरक्षण केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की और स्थानीय ग्राम प्रधानों के साथ बातचीत की। उन्होंने गौ सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी गौ संरक्षण केंद्रों पर सेवा भाव से काम किया जाना चाहिए। लोकार्पण के बाद मंत्री धर्मपाल सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी 7 जिलों में बनाए गए गौ संरक्षण केंद्र को देखा और स्थानीय ग्राम प्रधानों से चर्चा भी की। इसी के साथ हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने भी कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, यह आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक विशेष विभाग है और अगर बात की जाए तो पशुधन मंत्री हमारे साथ हैं। आपको आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी तरफ से। इस तरीके से आपने सर एक लोकार्पण किया, उद्घाटन किया है गौ संरक्षण केंद्रों का, कितने जिलों में किया गया सर? देखिए, विरासत गोवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। आज 12 विरासत गोवंश का जो वृहद गौ संरक्षण केंद्रों का लोकार्पण किया गया है और इसे पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हम बड़े 542 स्थानों पर बनवा रहे हैं। इससे कई संख्या के आधार पर अब निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में दिखाई नहीं देगा और इसके लिए हमारा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए चिंता भी की है। चरागाह की जो गोचर भूमियाँ हैं, उन गोचर भूमियों को कब्जा मुक्त करा के हम उन पर हरा चारा उगाने का काम कर रहे हैं। अब हमारी गौशालाओं में कोई भी गाय भूखी नहीं रहेगी। उसको 75 जिलों में हमने भूसा बैंक बनाने का काम किया है और इस तरीके से 50 रुपये रोज देने का काम किया है। अब गायों को पूरी तरीके से संरक्षित किया जाएगा। जिस तरीके से लोग गाय से ज़्यादा अभी तक अपने घरों में कुत्तों को पालने का काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए कि गौ संरक्षण में गाय को भी पालें? देखिए, हमारी भारतीय सभ्यता में, व्यवस्था में पहली रोटी गाय को और आखिर कुत्ते को देने की व्यवस्था है। तो मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम पालने का काम करें, क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत है। अगर किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया है। गाय पशु नहीं है, गाय माता है। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे पशुधन मंत्री धर्म सिंह और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि गौ संरक्षण को लेकर के बृहद 12 गौ संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं जिनका लोकार्पण उन्होंने किया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये 12 जगहों पर धर्मपाल सिंह ने, जो मंत्री हैं पशुधन एवं दुग्ध विकास के, उन्होंने आज लोकार्पण किया है और 7 जनपदों में 12 जगह जहाँ पर गौ संरक्षण केंद्र बनाया गया है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उन्होंने बात किया और साफ तौर पर उन्होंने ये निर्देश दिया है अपने जितने भी अधिकारी हों को कि गौ संरक्षण को लेकर के लगातार वो प्रभावी कार्य करें। जितने भी गौवंश हैं उनको गौ संरक्षण केंद्र तक लेकर के जाएँ और उनकी सेवा करें। कैमरा पर्सन ऐश्वर्य अवस्थी के साथ रितेश श्रीवास्तव, सी न्यूज भारत, लखनऊ। देखा जाए तो ये पहल न केवल किसानों की समस्याओं को हल करने में मदद करेगी बल्कि गौवंशों के संरक्षण को भी सुनिश्चित करेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।